ये सब बैम्बो डिजाइन बोलते हैं इसको, बैम्बू डिजाइन। अपना डिजाइन दीजिए, बिल्कुल जैसा बिल्कुल। बोलेंगे वैसा बन जाएगा, बना के देंगे सर। में आप बाप देखिए कितना स्लांट है, कितना टेपर है, बैक क्या सबूत मिलता है। आराम से बंदा एक ऑटोमैन रखिए आगे और पैर फैलाकर लेटिए आराम से। ऑनिक्स भी काफी अलग लग रहा है इसका। हाँ ये देखिए मार्बल कुछ हटके है, ये भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए सर, ये काफी कॉम्पैक्ट लग रहा है, काफी छोटा साइज लग रहा है। नहीं सर देखिए छोटा साइज का है, 9x6 का साइज है ये भी। अच्छा ये देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या दिखा सबसे पहले सर हम बैट दिखाते हैं। देखिए बैट, हाँ हाँ देख रहे हैं सर आप? जी जी एकदम से बड़ा जबरदस्त है। बताइए हेड सेट फुट सेट देखिए पूरा, मतलब कपड़ा देख रहे हैं आप सर? ये तो कपड़ा है ना, ये होता है अपना ड्रैगलिन कपड़ा होता है। जैसे अच्छा। देखो यूज करते हैं कपड़े में दाग धब्बे तो लगेंगे लगेंगे, लेकिन ये घर पे ही आप कोलिंग से गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप ये देख रहे हैं पूरा स्टेनलेस स्टील वर्क है, हम मेटल नहीं लगाते, मेटल काला पड़ जाता है। अच्छा। ये कभी काला नहीं पड़ेगा, 304 का SS लगाते हैं जी हम। ठीक है। और सारा बोर्ड प्लाई होता है जी, मैं तो से दिखाता हूँ आपको। MS नहीं लगाते, SS लगाते हैं। SS लगाते हैं जी, SS लगाते हैं। बिल्कुल सर, काला नहीं पड़ता, काला नहीं पड़ेगा लाइफ में। अभी ये मेरे ख्याल से 6 फीट है इसकी चौड़ाई, 6 फुट है जी, 6x6। अब ये विद साइड टेबल्स आगे जिसकी चौड़ाई है 9 फीट की, इसका नाम बताइए। ये देखिए आप सर जी, बताइए मैं आप इसका दिखाता हूँ। टीक पॉलिश में है ये, अंदर से आपको दिखाता हूँ, दिखाओ। अच्छा तो अभी जो ये क्वालिटी दिखाएंगे आपके हर बेड में यही सेम क्वालिटी सर? एक ही क्वालिटी होती है, 18mm की प्लाई देते हैं हम ऊपर। देखिए आप ये 18mm की प्लाई दी हुई है हमने। हाँ जी। अच्छा ये एकदम साफ सुथरा बेड अंदर सारा प्लाई लगा हुआ है जी, 18mm की प्लाई लगती है, सॉलिड पूरा ट्रीटमेंट होता है, दीमक कीड़े की पूरी वारंटी मिलेगी आपको। अच्छा तो आपने वारंटी की बात छेड़ी, तो मतलब कितने साल की वारंटी मिलती है? 5 साल की। 5 साल की वारंटी मिलती है? मिलती है, बाकी लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आती बेड में। कस्टमर कहते हैं ये बटन निकल जाते हैं, ठीक है जी, लेकिन ये हमारे बटन निकलने का मतलब आप खींचोगे तब भी नहीं निकलेंगे बटन। अच्छा। क्योंकि पीछे होल होता है, उसके अंदर नाइलॉन का मोटर धागा डाल के अंदर तक इसकी मतलब सेटिंग की जाती है, ठोका जाता है पीछे। हाँ जी, इसमें भी हमने दी हुई है लाइट, दी हुई है देख सकते हैं आप फैब्रिक। हाँ जी फैब्रिक देखिए आप, थिकनेस देखिए, बहुत प्यारा कंसेप्ट है जी, सबसे ज्यादा बिकता बेड हमारा ये। साफ बेड सारे सर जो चलने वाले हैं वही लाते हैं, वही बनाते हैं। ठीक है। अब आप इसी मार्केट के, ये थंडर बेड है, इस पे आते हैं, चल जाते बात भी करते हैं। थंडर बेड इतना प्यारा, 9 फीट चौड़ाई है इसकी और हाइट लगभग मेरे ख्याल से 4.5-5 फीट है इसकी। और ये कपड़ा हमारा भी वो वेलवेट स्वेट जो लगता है आजकल मार्केट में चल रहा है बहुत, कितना बड़ा बेड है ये देखिए सर। बैम्बू डिजाइन बोलते हैं इसको, बैम्बू डिजाइन स्टील। देखिए सर आप पूरा ऐसा देखिए, गोल्डन कलर का है, एक और नया डिजाइन फुल फैब्रिक के अंदर है, देख सकते हैं आप। इसमें हमने सर फुट साइड में भी देखिए सेम डिजाइन दिया हुआ है, जो हेड साइड में दिया हुआ है वही फुट साइड में दिया हुआ है हमने। तो देख रहे हैं ना आप ऊपर सर, ऊपर ये जो कोले दे रखे है वो सागवान है, और ये सेंटर में ये प्लैंक, ये सारा प्लाई लगता है सर। अच्छा, टीक प्लाई होता है, टीक प्लाई होता है, उसके ऊपर विनियल लगता है, ताकत डबल हो जाती है, उसके ऊपर फिर पॉलिश होती है, 8 कोट पॉलिश के डलते हैं ताकि मतलब हल्का ना आए, मतलब जैसे हल्कापन आ जाता है ना वो शिकायत नहीं आएगी आपको। मिलेंगे फुल फैब्रिक दिया हुआ है सर, कपड़ा देखिए, कलर देखिए, कपड़ा भी सर लोकल नहीं लगाते हम, कंपनी का कपड़ा लगाते हैं। किधर ये थोड़ा अलग डिजाइन है, ये डिजाइन हमने अलग दिया हुआ है देखिए सर। ये ऊपर जो ये रिंग्स बने हुए क्या है ये सर? ये वुडन के होते हैं, हैंड में काम है सारा, हाथ का काम है। अच्छा हैंडमेड काम है? हाँ जी बिल्कुल हाथ का काम है। साइड टेबल जो कितनी प्यारी लग रही है इसकी, ये देखिए डबल दराज है, उसमें भी हमने वही डिजाइन लाइट दिया हुआ है, ये कोव बना के इसमें लाइट दे रखी है। तो ये बेड, ये देखिए प्लेटफॉर्म बेड बोलते हैं इसको, देख प्लेटफॉर्म सकते हैं आप, हमारा देखिए सर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, हैवी लक्कड़ दी हुई है, ये सागवान की पूरी लक्कड़ दी हुई है, ये 3.5-4 इंच का हमारा मार्केट में बहुत ट्रेंड में है ये वाला डिजाइन, बहुत ट्रेंड में और हर किसी को पसंद भी आता है ये। देखिए डिजाइन देखिए सर, कल्प के अंदर, इसी के अंदर 6 फुट में बनवाना, 6 फुट बनवा ली थी, 9 फुट में दिया हुआ है मैंने, पूरा स्टेनलेस स्टील वर्क है देखिए आप। हाँ ठीक है, तो अभी हमने बेड दिखाया, अब जल्दी दिखाते हैं सोफा और डाइनिंग टेबल जी सर। साथ साथ उनसे पहले एक बार ना दोबारा इस पर नज़र मार लेते हैं जो हमारी चेयर्स है। चेयर्स जल्दी से, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है आपके पास चेयर के, ये देखिए सर जी भाई, ये पीछे टेक लगा के बाप देखिए कितना स्लांट है, कितना टेपर है इसका, बैक क्या सपोर्ट मिलता है। आराम से बंदा एक ऑटोमैन रखिए आगे और पैर फैलाकर लेटिए आराम से। बिल्कुल सर बिल्कुल, डिजाइन देखिए सर, लेग देखिए आप। हाँ टीक वुड हो गया हमारा, पूरा सागवान दिया हुआ है जी, वॉलनट पॉलिश होगी हमारी, काफ़ी अच्छा डिजाइन है, कितना कर्वी सा डिजाइन है मतलब। हाँ ये साइड टेबल में हमने इसमें लाइट दी हुई है देखिए आप, डबल दराज दिए हैं इसमें हमने, ठीक है जी, पूरा स्टेनलेस स्टील वर्क है ये, स्वेट फैब्रिक है, और जो पॉलिश देख रहे हैं ना सारी प्यू पॉलिश है सर, ये एशियन कंपनी की पॉलिश यूज करते हैं हम, लोकल पॉलिश यूज नहीं करते। ये प्यू मैट हमारी। हाँ जी, जैसे वाइट बेड होता है ना। अच्छा, और इसमें लाइट जलती है हमारी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये प्लीट्स वाली आ गई, प्लीट्स बना रखी है जी जी। ये सर सोफा देख सकते हैं आप, काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट है। हाँ जी, ये मेक टू ऑर्डर बना हुआ है, साइज कम कराया उन्होंने। ये देखिए पूरा वर्क देखिए सारा,
पूरा स्टेनलेस स्टील के ऊपर प्यू पॉलिश की हुई है सारी हमने, वाइट कलर की, पूरा वुडन वर्क है सर। अंदर देखिए आप, टेबल दी हुई है, गोल टेबल है, गोल पफी है, पीछे देख सकते हैं आप, ये एड्रेस दिया हुआ है हमने, एडजस्टेबल एड्रेस आ गया हमारा, एडजस्टेबल एड्रेस है सर जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये देखिए सर, ये सोफा देख सकते हैं आप, इसमें पूरा हमने वुडन का दिया हुआ है, पीछे साइड में भी ये डिजाइन दिया हुआ है सर। अच्छा, ये देखिए सर, पीछे आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, फ्लावर पॉट वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे अपना कुछ भी आप डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। पीछे एड्रेस दिया हुआ है, और सबसे बड़ी खासियत ये है सर, ये जो बीच की सीट है एडजस्टेबल सीट है। अच्छा, सेक्शनल सोफा हमारा। हाँ जी हाँ जी, ये आप है ना, इसके बीच इधर भी लगा सकते हैं, बीच में उधर भी लगा है, वो साइज छोटा करना है वो साइज छोटा हो जाएगा, ये बड़ा करना है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप उसका क्या कर सकते हैं, उस सीट को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, अगर आपको यहाँ भी नहीं लगानी, उसको उठा के आप किसी भी रूम में रख सकते हैं, अपना एक सिंगल सीटर की तरह आप यूज कर सकते हैं उसको। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप देखिए, एसएस वर्क है सारा, ये स्टील लगा हुआ है, ये भी जी जी जी, काला नहीं पड़ेगा जी, आई बैक एकदम छोटी सी क्यूट सी बारे में। ये देखिए सर, ये कप होल्डर के साथ है, ये हमने इसमें कप होल्डर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी, यहाँ आप कुछ भी अपने स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, ये देखिए सर, पीछे स्टोरेज मिल गया आपको, अपना कुछ भी आप सामान स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, डेली यूज का होल्डर दिया हुआ है, देखिए आप। ठीक है, तो आप बहुत हैवी सोफा है, देख सकते हैं आप साइडों में वर्क, देखिए आप इसका। ठीक है, ये हमारा मेटालिक प्यू हो गया ना, मेटालिक प्यू है सारा, एसएस की लैग दी हुई है, देखिए आप। अच्छा, स्टेनलेस स्टील की लैग है सर, हैवी इसकी, देखिए ब्रॉड, देखिए आप, यही मैं करूँ, कितना एकदम पफ्स है, एकदम इतना हैवी है इसका जो, बहुत हैवी है सर, पफी भी हैवी दी हुई है, वर्क भी हैवी, देखिए पीछे ये देखिए आप। अच्छा, ये भी हेडरेस्ट है हमारा, पूरा हेड नहीं, हेड फिक्स है सर ये। अच्छा, फिक्स वाला है, एडजस्टेबल हेडर दिया हुआ है हमने। हाँ, ये देखिए वर्क, देखिए आप, क्या बात है सर, मेरा ना ये क्विल्ट में कहीं पे फिनिशिंग से देखता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है, पिंग वर्क नीचे दे रहा है, पाइपिंग देखिए, चारों तरफ देखिए आप, पीछे वर्क देख सकते हैं आप सर, वुडन वर्क देखिए आप, पीछे बैक में देखिए आप, वुडन वर्क पेंटिंग दी हुई है, पीछे वुडन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, फ्लावर पॉट वगैरह रखिए आप अच्छे से इसके। अच्छा, ये मैंने आप गौर कर रहा है, ये पूरा वन पीस में आ रही है, पूरा वन पीस है जी, ये बहुत कवर रखा है, बिल्कुल वन पीस है सर। ठीक है, बहुत, ये बहुत अलग यूनिक फैब्रिक लग रहा है, ग्रे वाला, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा सर। हर चीज़ यूनिक में है मेरी, देखिए कहीं जॉइंट का कोई काम नहीं, ये डिज़ाइन ना मैंने जी, ये देखिए जी जी, ये सोफ़ा है, ये देखिए सर, ये सेवन सीटर सोफ़ा है, इसमें भी देखिए आप वुडन वर्क देख सकते हैं आप। अच्छा, ये 322 है सर, टेबल इसमें सेपरेट अलग है, टेबल तो देख सकते हैं सारा उसके अंदर है, ये ऊपर मार्बल दिया, ओनेक्स मार्बल, और सारा पॉलिस्टर पॉलिश का वर्क है ये। अच्छा जी, तो ओनेक्स मैंने आज तक प्लेन देखा, ये आपने इस पर कुछ वर्क करवा रखा है क्या? हाँ जी, वर्क है सर, आप ओनेक्स में काफ़ी डिजाइन आते हैं, ये सबसे बेहतरीन डिजाइन है, ये देखिए आप। ठीक है, और इनमें हमारा ब्रास का हो गया, पॉलिस्टर फिनिश हो गई, मापा प्लाई हो गया इसका, और बेस हमारा वही सेम मापा वाला हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये सोफा जो हर तरफ इसका स्टिचिंग वर्क है, बैक पर आर्म्स पर स्ट्राइप्स हो गया, और सीट पर हमारा जो क्विल्ट वाला बर्फी कहते हैं, क्रिस क्रॉस कहते हैं, वो डिजाइन हो गया। बिल्कुल सर, देखिए कर, बहुत प्यार। हाँ, ये स्पेस सेविंग फर्नीचर आ गया, ऐसे स्पेस कम है घर के अंदर, सोफा भी चाहिए, बेड भी चाहिए, तो ये आपका दोनों का काम करेगा, आप देख सकते हैं ये। जी जी, खोल के दिखाइए, ये काफी कॉम्पैक्ट लग रहा है, काफी छोटा साइज लग रहा है। नहीं सर, देखिए छोटा साइज का है, 9x6 का साइज है ये भी। अच्छा, ये देखिए बड़ा जबरदस्त है सर। बिल्कुल, पहले हमने कुछ और तरीके का दिखाया था, ये कुछ और तरीके का है, ये मॉडल अलग है जी। हाँ, तो ये साइड में स्टोरेज है हमारी? बिल्कुल सर, स्टोरेज मिलेगा आपको, देख दिखा सकते हैं और खोल के। अच्छा, तो बैक के वजह से थोड़ी कम स्टोरेज है। अच्छा ठीक है, पहले क्या होता था कि यहाँ से ऐसे उठ के खुलता था, अब ये यहाँ से खुल रहा है जी, डिजाइन अलग दिया है हमने। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म बड़ा अलग है, पहले इस चीज को पूरा हमें खींचना पड़ता था, फिर इसके ऊपर उठा के खोलना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एक साथ ही खुल गया हमारा, बिल्कुल पूरा एक साथ खुल गया। तो सकते हैं आप थोड़ा वर्क देख। अच्छा, सकते हैं वर्क बढ़ गया है, साइड में स्टिचिंग जी, जी, ये इसकी लेग देखिए बढ़ गई है इसके अंदर। ये हमारे 6 इंच की लेग होगी, अपने 5 इंच की लेग है, साइड में वुडन वर्क आ गया, स्टिचिंग वर्क आ गई, आम पर क्विल्ट आ गई, कुशंस पर आपका स्टिच वर्क आ गया, सीट पर भी थोड़ा बहुत स्टिच वर्क है जी। सर बताइए, ये देखिए सर, ये ओनेक्स मार्बल के अंदर डाइनिंग है, ठीक है जी, ये भी वही पॉलिस्टर पॉलिश की हुई है हमने सर। अच्छा, ये फिनिशिंग लाने में कम से कम 15-20 दिन का टाइम लगता है सर। अच्छा, पॉलिस्टर में? हाँ जी हाँ जी, तब ये फिनिशिंग आती है सर। अच्छा, बेस देखिए सर, बेस भी हमने उसका दिया हुआ पॉलिस्टर बेस आ गया। थिकनेस देखिए आप, ये ओनेक्स मार्बल होता है सर, एक ग्रेड मार्बल है ये, बाकी इसके बाद ही आता है जो भी मार्बल आता है। अच्छा, ईरान का पत्थर है, चाय हल्दी वगैरह किसी चीज का कोई निशान नहीं आता इसके ऊपर। अच्छा, और ये सर देख रहे हैं ना आप सर, हाँ ये फिनिशिंग से देख पता लग रहा है कि पॉलिएस्टर है। ये पॉलिएस्टर है सर, फैब्रिक भी बड़ा सिंपल सा एकदम रॉयल ब्लू जो हमारा कलर आता है वो है,
पॉलिस्टर पॉलिश है सर, इसको फिनिशिंग लाने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, तब जाके फिनिशिंग आती है। अच्छा, बेस देखिए सर, बेस भी हमने पॉलिस्टर का दिया हुआ है और कैप हमारी वही रोज गोल्ड होगी। बिल्कुल सर। एक चीज मैंने आप नोटिस किया, आपने निकाली है चेयर की ब्लू कलर पूरा इस पर सीट पर बैक पर, और ये एक छोटा सा बॉर्डर सर अलग से दिखा रखा है फ्लोरल में, ये कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, ये देखिए सर वुडन के अंदर है पूरा, और ये जो चेयर है पूरी ये भी टीक में बनी हुई है, पूरा वन पीस की लक्कड़ दी हुई है, कहीं ज्वाइंट नहीं दिया हो इसमें हमने, ये देख सकते हैं आप। ये सर जैसे कहते हैं स्पेस कम है हमारे पास और डाइनिंग 6 सीटर चाहिए, तो ये 5x3 का साइज है। हाँ जी, वो कितना था हमारा? वो 6x3 का है सर, 6x3 था। हाँ जी, और ये जो बाकी थे दिखाए थे आपने सब 6x3 के होते हैं, ये सिर्फ 5x3 का, 5x3 का है, 6x3 का आ गया, 6 सीट भी इंटर लगा के हमारे। जी सर, ठीक है। अब ये एक न्यू डिजाइन देख रहा हूँ मैं यहाँ पर जी, ये देखिए ये भी पॉलिस्टर पॉलिश के अंदर है सर, ये देखिए आप डिजाइन अलग दिया हुआ है इसका, फ्लोरल प्लस प्लेन का आ गया जी, सीट प्लेन हमारी बैक फ्लोरल होगी, और इसका जो ये मार्बल ओनेक्स मार्बल है, ओनेक्स है, पीछे क्रीम था ये वाइट है, वो क्रीम कलर है, ये वाइट कलर, क्रीम वाइट दो आते हैं सर। हाँ, बैक वही पॉलिस्टर आ गई। हाँ जी, ये देखिए मार्बल कुछ हटके है, ये अंदर है देखिए सर इसकी भी आप, ये हमने ब्लैक में किया हुआ है, ये देखिए डिजाइन देखिए आप, ये देखिए सर हैवी लेग है, लेग भी काफी अलग है एकदम, जो ज्योमेट्रिकल नहीं होता हमारे, जो एकदम स्क्वायर वाले वैसे अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये सीट भी ऑनेक्स है, और ये इनले वर्क हमारा, ये एसएस है, ब्रास है, सारा ब्रास वर्क है, ब्रास है। तो ये 6x3 का हमारा टेबल है। हाँ जी, तो क्या डाइनिंग टेबल भी दिखा देते हैं, ये देखिए सर हैवी डाइनिंग है। हाँ, ये इटालियन हो गया हमारे ऊपर, वो एकदम फिनिशिंग हमारी क्विल्ट आ गई एकदम, और लेग्स बड़ा प्यारा है इसका सर। हाँ सर, गोल्डन वर्क कर रखा है, मतलब गोल्डन पॉलिश दे रखी, मेटालिक प्यू जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये जी। नहीं तो आजकल मैं देखता हूँ पूरा प्लेन वन पीस में एक ही मतलब ऑल ओवर होता है कलर पॉलिश का। हाँ जी, हाँ जी, इसमें अलग टच दे रखा है गोल्डन का। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कुछ कहना चाहिए एक बार सर? लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, अगर फर्नीचर चाहिए तो दीदी एक बार मेरे पास आइए, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको जी, एक बार आइए, ज़रूर विजिट कीजिए, आप मार्केट विजिट कीजिए, मेरे पास आइए, तब जाके पता लगेगा हमारी कदर, हम किस रेट में आपको क्या चीज़ दे रहे हैं। जी जी, एकदम सही बोले आप, ये बात जो बोलते हैं ना कि मार्केट विजिट करिए फिर हमारे पास आइए। बिल्कुल बिल्कुल, तो टाइम कॉन्फिडेंस है ना हमारे ऊपर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, हम क्या चीज़ दे रहे हैं और किस रेट में दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आज मुझे इतना अच्छा फर्नीचर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही अलग अलग स्टोर विजिट करता रहूँगा और आपके लिए न्यू फर्नीचर लाता रहूँगा, साथ ही साथ नई वीडियोस बनाते